दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती, जो मेरे लोग दिल के अजीज हैं, जो मेरे खास दोस्त हैं, उनमें से मैंने आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं देखा कि भाई भाई को गाली देता है। हनी सिंह ने बादशाह के बारे में ये क्या कह दिया? He was never my friend. हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल। देश के दो सबसे बड़े रैपर जिनके लिए कहा जाता है कि वो कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के आसपास भी नजर नहीं आते। शाहरुख वर्सेस सलमान के बाद यही है जिनकी दुश्मनी की चर्चा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मशहूर हुई है। जी, हनी सिंह और बादशाह। हनी सिंह और बादशाह के बीच टक्कर किसी से भी छिपी नहीं है। अगर आप भी इनके फैन हैं तो आपने भी बादशाह को कई बार अपने पुराने यार हनी के बारे में कहते जरूर सुना होगा। लेकिन अब पहली बार हनी सिंह ने रैपर बादशाह के लिए कुछ ऐसा कहा है जो सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। वो हनी सिंह जो बादशाह पर सवाल पूछे जाने पर अक्सर मीडिया में साइलेंट रहते थे, उन्होंने खुलकर बादशाह पर बात की। जी, हनी सिंह ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बादशाह और उन पर सवाल पूछे जाने पर साफ साफ जवाब दिया है। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनाते हैं हनी सिंह ने बादशाह को लेकर क्या क्या कहा। मैंने आज तक भी किसी के बारे में बोला कुछ? तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं, तो बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आती लोग क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई। एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पे माफ़ी मांग ली तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता। तो कहीं दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी। वो अपने उसने खुद स्टेज पे, शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो, लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचता था उसके उस ख्याल से मेरे बारे में। तो उसका अपनी सोच थी, उसके अपने ख्याल से, उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ उस पर और दया करे, और कामयाब हो। आई थॉट आदमी थोड़ा जब एज थोड़ा एज बड़ा मेरा लेना देना नहीं है, मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ। मेरे अपने पर्सनल लोग हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत अजीज है, और अगर वो मुझे भगवान ना करे कभी मुझसे नाराज हो जाए तो मैं कभी कुछ भी करके उनको मना लूँगा। और जो मेरे लोग दिल के अजीज हैं, जो मेरे खास दोस्त हैं, उनमें से मैंने आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं देखा कि भाई भाई को गाली देता है। तो क्या बादशाह कभी हनी के दोस्त नहीं थे? अब हनी सिंह ने तो यही कहा है, आपने भी सुना ना, तो अब क्या माने? देश के दो सबसे बड़े रैपर जिनके लिए कहा जाता है कि अपने स्ट्रगल टाइम में वो एक ग्रुप में ही थे, दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपस में नहीं बनी और अलग हो गए। हमने भी कई बार बादशाह को हनी सिंह की बात करते सुना है। जैसा कि हनी ने भी बताया, बादशाह ने अपने कॉन्सर्ट में हनी सिंह के साथ नई शुरुआत करने की बात कही थी। बादशाह ने कहा था, मेरी जिंदगी का एक फेज था जब मैं एक शख्स के खिलाफ ईर्ष्या रखता था और अब मैं इसे पीछे छोड़ रहा हूं, और वो है हनी सिंह। मैं किसी गलतफहमी को लेकर नाखुश था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जोड़ने वाले कम थे और तोड़ने वाले बहुत थे। इसके बाद खबरें भी आई थी कि दोनों के बीच 15 सालों की दुश्मनी खत्म होने वाली है, लेकिन अब हनी सिंह ने न्यूज 18 को दी इंटरव्यू में जो कहा है वो सोचने वाली बात है। हनी सिंह के इस जवाब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।